आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो रेगुलरली लगातार फंदे घटाते हुए जिसको बोलते हैं रेगुलर कार्ड, उसमें हम पिछला हिस्सा कैसे बनाएंगे। इसमें जो है पिछला हिस्सा, अगला हिस्सा और बाजू, सब में क्या है, ये जो ऊपर की शेप है, कंधे की शेप है, वो सबकी एक जैसी आती है, चाहे बाजू हो, चाहे अगला हिस्सा हो, चाहे पिछला हिस्सा हो। लेकिन हम अगला हिस्सा थोड़ा सा अलग बनाएंगे, पट्टी के साथ उसका गला बनाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पिछला हिस्सा जो है, पिछला हिस्सा या आप कह सकते हो कि जो शुरुआत करनी है, चाहे बाजू की हो, अगले की हिस्से की हो या पिछले हिस्से की हो, उसको उसके कंधे की शेप जो है उसको शुरू कैसे करना है। सबसे पहले हम पहली सिलाई में दो फंदे लगातार घटाएंगे इस तरह से, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। उसके बाद बाकी की सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये जो है सीधी सिलाई है, जिसमें हमने एक तरफ दो फंदे घटाए थे, ये हमारी सिलाई पूरी हो जाती है। अब हम आएंगे अपनी उल्टी सिलाई पे। उल्टी सिलाई पे भी हम ये दो फंदे जो है, स्टार्टिंग में हम ये लगातार दो फंदे साइड पे घटाएंगे, ये एक और ये इस तरह से दूसरा फंदा, और ये हमारी जो है बाकी की सिलाई जो है हम उल्टी, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, साइड पे हम ये पांच फंदे जो हैं, पांच फंदों के साथ हम ये जो है रेगुलर, जिसको बोलते हैं लगातार फंदे घटाने का जो हमारी शेप है, हम वो साइड में पांच फंदे रख के देंगे। पहला फंदा बिल्कुल सीधा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद हम दो फंदे जो हैं उल्टे बुनेंगे, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। दो फंदे उल्टे बुनने के बाद जो ये फंदा है हमारा, इसको हम इस तरह से दूसरी सिलाई पे उतारेंगे। दोबारा मैं बताती हूँ, ये इस तरह से उतार के इस तरह हम दूसरी सिलाई पे उतारेंगे, और पीछे की तरफ से आप देखोगे, ये पीछे की तरफ से, ये देखो, ये पीछे की तरफ से हम दो का एक करेंगे इस तरह से। और बाकी जो है कोई आप बाकी जो पूरी सिलाई है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन के साथ प्लेन है तो प्लेन के साथ हम बुनेंगे। अभी ये जो है हम ये इसी सिलाई के, सीधी सिलाई के एंड में पहुंच गए। ये हमारे स्टार्टिंग में भी हमने पांच फंदे रखे थे, यहाँ भी पांच फंदे हैं। अब यहाँ जो ये पहले हम ये इस तरह से दो का एक करेंगे सीधी तरफ से ही, ऐसे दो का एक, उसके बाद एक उल्टा, दूसरा उल्टा और लास्ट सीधा। उल्टी सिलाई हमारी जो है वो सारी उल्टी आएगी। अभी फिर हम अपनी सीधी सिलाई पे आ गए हैं। इसे हम बिल्कुल पिछली सिलाई की तरह ही बुनेंगे, पहला फंदा बिना बुने, उसके बाद ये दो उल्टे, और उसके बाद ये जो फंदा है इसको इस तरह उतार के दूसरी सिलाई पे दो का एक। ये जो है हमारी पूरे कंधे की शेप है जो हम इसी तरह से बुनेंगे जितनी हमें चाहिए, और ये जो है इसकी जो लंबाई होती है ये अपने हिसाब से होती है कि आप किसका स्वेटर बुन रहे हो, बच्चे का है, बड़े का है, किसी टीनेज का है, कितने साल के बच्चे का है, उस हिसाब से हम इसकी जो है लंबाई रखेंगे। अभी आप देखोगे ये मैंने जो है ये पूरी लंबाई जो है अपनी, ये आप देखोगे इस तरह से अपनी ये जो है इसकी पूरी लंबाई जो है मैंने ये कंप्लीट कर ली है, ये देखो इस तरह से। ये आप देखोगे यहाँ पे ये जो है मेरे पास, ये देखो ये चेन सी आ रही है, और ये चेन जो है ये दोनों तरफ आ रही है इस तरफ की, ये देखो। और ये जो है मुझे जितनी इसकी जो है कंधे की लेंथ चाहिए थी मेरी, उतनी ये पूरी होगी। इसी तरह से हम बाजू को शेप देंगे, इसी तरह से हम जो है हमारा अगला हिस्सा है उसको शेप देंगे। लेकिन जो मैं जो है इसका अगला हिस्सा है उसमें एक छोटी पट्टी के साथ उसका गला बनाऊंगी, उसके लिए आप जो है ये वीडियो देखते रहिए, ताकि फिर मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें अगर हम गोल गला बनाते हैं या कि पट्टी वाला गला बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं।
अब ये रेगुलर जो है लगातार फंदे घटाते हुए, अब ये जो है मैंने इसको अपना कंधे की जो लंबाई है, ये पिछला हिस्सा है मेरा, इसकी लंबाई मैंने ये जो पूरी कर ली है। इसी तरह से हम जो है अपनी बाजू को भी शेप देंगे और अगले हिस्से को भी इसी तरह से शेप देंगे। लेकिन जो नॉर्मली जो है इसमें दोनों बाजू आगे पीछे सेम शेप साइडों पे दी जाती है और जो इसका गला होता है वो गोल बनेगा, लेकिन मैं जो है अगले हिस्से में छोटी सी पट्टी के साथ इसका गला बनाऊंगी। तो आप देखिए इस तरह से रेगुलर इसको साइडों पे शेप देते हुए और बीच में पट्टी बनाते हुए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और कमेंट करें। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।